चक्कर में कि मैं डाइटिंग करूं, मोटापा कम करूं, मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं खाने पीने की, कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन अब मेरा इसका मन कर रहा है तो मैं बिल्कुल अपने मन को नहीं मार सकती और मैं ये ज़रूर खाऊंगी। आइसक्रीम है वो, यम्मी लग रहा है। तो चलिए खाती हूँ मैं, फिर मिलते हैं आपसे। वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खरीद से होंगे और आपकी दुआ से अल्लाह का शुक्र हम बिल्कुल ठीक हैं, खरीद से। और फ्रेंड्स, आज जो है मैं शाम में अपने किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ सांभर और इडली। तो वो मैं बहुत इजी वे में बनाऊंगी, जो सांभर बनाऊंगी और इडली मैं अपने माइक्रोवेव में बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह जैसे बनाऊंगी, जो जो करूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। और प्लस फ्रेंड्स, जो भी वन वीक मैंने किया है सब कुछ, वो मैं सब मैं इस ब्लॉग में डालूंगी। तो ये ब्लॉग इंशाल्लाह आज या कल आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज शाम में जो करेंगे वो दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में सांभर एंड इडली। तो सांभर के लिए सब्जियाँ बहुत सारी यूज़ होती हैं, बट मैं कोई सब्ज़ी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते। तो सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू से हम सांभर बनाएंगे, इजी रेसिपी। और ये तुअर दाल, अरहर दाल मैंने भिगो के रखी है, इसको अच्छे से वॉश करके। ये देखिए, जब भी मैं बात करना शुरू करती हूँ, कभी बाइक कभी गाड़ियाँ नीचे से रोड से जाने लगती है, सारी आवाज़ मेरी कर देती है। तो बस फ्रेंड्स, देखिए ये है तुअर दाल मैंने भिगोई, इसको अभी एक दो बार और पानी से निकालूंगी और सिर्फ इन तीन सब्जियों में हम सांभर रेडी करेंगे। और इडली जो है मैं इंस्टेंट वाला यूज़ करूंगी, MTR का। मैंने इसको आलू, प्याज और टमाटर इनके बड़े बड़े पीस करके इसको पहले फ्राई किया ऑयल में, हल्के से ऑयल में। फिर इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको पकाने रख दिया मैंने। ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि सांभर बहुत मुश्किल है बनाना, बहुत सब्जियाँ डलती हैं, इतना घर में एकदम से अवेलेबल नहीं होता, तो ये उनके लिए है कि सांभर ऐसे भी इजी उसमें बन सकता है। तो देखिए, टमाटर, आलू एंड प्याज, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने इसको बॉईल करने रख दिया, ये अच्छे से बॉईल हो जाए 5 मिनट 10 मिनट, फिर उसके बाद आगे दिखाती हूँ। और इधर फ्रेंड्स, ये तुअर दाल है, ये भी मैंने रख दिया कुकर में डाल के चढ़ा दिए। दाल में मैंने सिर्फ हल्का सा नमक और हल्दी डाला है अभी इसमें, और कोई मसाला नहीं किया है। नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से गला लेते हैं, जब तक ये गल जाएगी इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये लाई थी मैं मार्केट से MTR का राइस इडली, इससे बनाऊंगी मैं इडली। और इडली मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये इमली की चटनी, ये तो होती है सबके यहाँ, यूजुअली मिल ही जाएगा मदर्स का। मेरे पास मदर इमली का पेस्ट है, आप कोई और कंपनी का हो या आपका अपना घर का इमली हो तो उसको भिगो दें और उससे पेस्ट बना लें भिगो के। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कड़ी पत्ता जो है मेरे पास नहीं था, मैंने ब्लिंकिट से मंगाया। अब मेरा मन नहीं था नीचे उतर के जाने का, तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया आया है। ब्लिंकिट ने तो हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है। एक बटर मंगाया मैंने अमूल का और एक एक, अब ज़्यादातर चीज़ें मैं ऐसे ही मंगा लेती हूँ इमरजेंसी वाली जो होती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, तुअर दाल। और बस फिर देखिए, जैसे मैंने बात करनी शुरू करी पी। और ये देखिए, ये भी रेडी है मेरा। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी दाल के अंदर। फ्रेंड्स देखिए, दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं मैंने और बस अब इसको चढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून सांभर मसाला। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सांभर डाला है और थोड़ा नहीं मतलब 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला। फ्रेंड्स, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, नमक हमने फ्रेंड्स दोनों चीज़ों में डाला था, दाल को उबालते हुए भी, और जो हमने आलू और की सब्ज़ी वो करी थी फ्राई, उसको में भी हमने डाला था, बॉइल्ड की थी जो सब्ज़ियाँ। तो देखिए, अभी हम इसको मिक्स कर लेते हैं सांभर मसाले को और लाल मिर्च को। ये देखिए, मिक्स कर लेते हैं। वाह वाह वाह, देखिए सांभर इजीली बन गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये बहुत मुश्किल होता है सांभर बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डाल रही हूँ मैं इमली का पेस्ट, 2 चम्मच डाले मैंने। आप ये इमली का पेस्ट अपने हिसाब से डालें, कितना खट्टा खाना है आप लोगों को। देखिए, बघार के लिए मैंने क्या क्या लिया है, लहसुन काट रहे थोड़ा सा, ज़ीरा, हींग, थोड़ी सी राई, काली सरसों, सांभर मसाला, मेथी, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, ये सब मैं बघार में डाल दूँगी। चने की दाल और अरहर की दाल भी थोड़ी सी डालते हैं बघार में, लेकिन फिर मुंह में आती है तो फिर बच्चों का थोड़ा सा वो नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता उसका टेस्ट, तो इसलिए मैं आज डाल नहीं रही हूँ, वरना मैं डाल देती हूँ अक्सर, लेकिन मैं आज डालूंगी नहीं उसको। ऑयल रख दिया मैंने गर्म होने। अब मैं इसमें सबसे पहले लहसुन का जब थोड़ा सा कलर चेंज होगा फिर और चीज़ें डालते हैं। फ्रेंड्स, सब रेडी हो गया है, कितना अच्छा सा कलर आ गया इसका। अब इसको सांभर में डाल देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, सब मिक्स कर दिया, सांभर एकदम रेडी है। देखिए, थोड़ा सा मेरी दाल वाल निकल गई, कुकर गंदा हो गया आज,
तो देखिए फ्रेंड्स सांभर बिल्कुल रेडी है। देखिए 1 kg का इडली का जो है इसमें कम से कम 50 इडलियाँ बन जाएगी, तो मैं जितनी बनाऊंगी बाकी मैं रख दूंगी। तो मैंने सारा बैटर इस बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने दही डाली है, दही सब पैकेट में मेंशन होगा कि कितनी दही डालनी है, मैंने उस हिसाब से ही वाला अमूल का 400 ग्राम का। और फ्रेंड्स देखिए इडली का बैटर रेडी हो गया मेरा, क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, कोई बात नहीं इसको सुबह यूज़ कर लेंगे अभी ज़रूरत नहीं हुई तो। तो देखिए फ्रेंड्स और कितना अच्छा स्मूथ एकदम पेस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए इसकी ये देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना ज़्यादा पतला है। तो अभी इडली बनानी शुरू करूँगा। फ्रेंड्स मेरा माइक्रोवेव का इडली मेकर है, तो इसमें मैंने नीचे पानी डाल दिया बॉक्स में और ये डाला मैंने इस पर, एक आगे एक ये डालेंगे 4 इडली। इसमें अभी ऑयल लगा के मैं इडली का बैटर डालूंगी, अभी ज़रा हो जाए वो, और 4 ये तो मतलब 8 इडली एक टाइम में तैयार हो जाएंगी। 6 से 7 मिनट दूंगी मैं माइक्रोवेव में, इसको माइक्रो करूँगी 6 से 7 मिनट के लिए और बस फिर इसको स्टीम में छोड़ देंगे 5 मिनट में, तो ये रेडी हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह दिखाती हूँ आपको करके। और फ्रेंड जरा सा मैं हमला को लेके जा रही हूँ नीचे दुकान तक, मुझे कुछ काम है। पे बर्तन की मुझे छोटी कांच की बॉटल्स चाहिए थी अपने मसाले रखने के लिए, तो बस इसी के लिए मैं आई थी बॉटल्स, पता नहीं वो कहाँ बाहर लेने चले गए, यहाँ बहुत अच्छा सब सामान था। देखिए फ्रेंड्स ये गिलास की बॉटल्स ली हैं मैंने, हमजा ने भी एक गिलास ले लिया है भैया, वो सेम साइज़ है ना जो मैंने उधर ली है, जी वही सेम साइज़ है ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए बैटर बिल्कुल रेडी हो गया। ओ हमजा का गिलास देखिए, हमजा न्यू खरीद के लाए मेरे साथ अभी बॉटल से। हाँ अब फ्रेंड्स ये मैं बॉटल्स लाई हूँ कांच की इतनी सारी खरीद के, अभी मैं सब सेटअप करूँगी किचन का, ये सब कुछ बदलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बैटर रेडी हो गया है और बस इस पर अब मैंने, माय गॉड किस कदर ट्रैफिक है हमारे नीचे। और देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस पर ऑयल लगा लिया, अब इस पर बैटर डाल देते हैं। फ्रेंड्स ऐसे मैंने इसमें डाल दिया बैटर, ये 1 लगा दिया मैंने, अब इसको दूसरे को भी ऐसे लगा के इस पर ऑयल। देखिए बैटर बिल्कुल ऐसा रेडी है, इसको चम्मच से ज़्यादा नहीं भरूंगी, हल्का हल्का रखेंगे एकदम स्मूथ। उसमें देखिए ये 8 इडली एट अ टाइम रेडी हो जाएंगे। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, तो देखिए फ्रेंड्स ये सब रेडी। तो फ्रेंड्स माइक्रोवेव में इसको रख दिया है और माइक्रो करके इसको 6 मिनट पे मैंने सेट कर लिया, बस अब ये बन जाएंगे तो दिखाती हूँ फाइनल लुक आपको। मैंने बॉटल्स भी धो के रखी हैं सारी, और आपने मेरा ये देखा साइट, मेरा प्यारा सा घड़ा और ये स्टैंड मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो बॉटल्स धो दिए मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स इडली रेडी है, अभी ज़रा मैं देख लेती हूँ उसको एक बार, इसे अभी थोड़ा ईजिली निकल नहीं रही है, इसको 1 मिनट और रख देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने मेरा, पता नहीं वो मिल नहीं रहा, मैं इससे उतार लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार इडली रेडी है, तो मैं हमजा को खाना दे देती हूँ पहले, हमजा को भूख लग रही है, 9:30 हो चुके हैं। ये देखिए कितनी शानदार इडली रेडी है, हमजा को दे देते हैं पहले, बाकी फिर दूसरा लॉट तैयार करते हैं। ये देखिए हमजा की प्लेट रेडी कर दी मैंने, हमजा शुरू करते हैं इडली सांभर खाना। आ जाओ भाई हमजू, हैप्पी हमारा फेवरेट है, बहुत पसंद है। मैंने यहाँ पे ग्लास की बॉटल लगा दी है, सब प्लास्टिक बॉटल्स हटा दिए मसालों के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स बस ये छोड़ दिया है पत्ती और चीनी के लिए, बाकी सब मैंने बॉक्सेस वगैरह सब चेंज कर दिए, सब ग्लास की बॉटल लगा दी है। और खाना बनाते बनाते मुझे लगा मुझे थोड़ी वीकनेस है, तो मैं ग्लूकोन डी नींबू पानी पी रही हूँ, मुझे लगा एक ग्लास पी लेना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो किचन में मैं पाव भाजी बना ही रही हूँ, तो पाव भाजी रेडी करूँगी दिखाऊंगी आपको, और इंशाल्लाह शॉर्ट्स में तो शेयर ही करूँगी मैं इसकी रेसिपी। क्या तुम लोगों का बेडशीट्स पे कोई नंगे पैर नहीं रखेगा, सुन रहे हो दोनों? चप्पल पहन के भी नहीं रखने, शूज भी नहीं रखने हमजी। फ्रेंड्स पाव भाजी रेडी है, ये देखिए भाजी, इस पर मैंने बटर भी डाल दिया, अब पाव भी कर दीजिए थोड़ा सा उसमें बटर लगा के, तो ये रेडी है। आ रही है कुलसुम, कुलसुम क्या खा रही हो? आइसक्रीम। हाँ टेस्टी एंड यम्मी यम्मी यम्मी। हम
मतलब ये खा रहे हैं इसकी नो नो डैडी नाउ नहीं है ये बेटू, आप आइसक्रीम खा रहे हो ना, आइसक्रीम लगी ऐसे, नो 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 आप खाओ इसको आइसक्रीम को, स्पून सही से पकड़ो, यस गुड चॉकलेट फ्लेवर, यू लाइक इट, यस आई लाइक इट, यम्मी, माय टंग इज ब्राउन, कुसुम हाय कर दो मेरे फ्रेंड्स को, हाय हाय अस्सलाम वालेकुम, कहना हेलो, प्लीज सब्सक्राइब, कृष्ण तो मम्मा को छोड़ के गई थी, गंगू मम्मा को नहीं लेके गई थी, नहीं मैं नहीं छोड़ के गई, नहीं तुम हमजा भाई को भी नहीं लेके गई थी, मैं मम्मा को नहीं गई, मम्मा दादी को मिलने, नहीं नहीं मुझे नहीं लेके गई थी ना तुम, ऐसा हुमा काजमी की नाम है, हुमा काजमी, हुमा काजमी, हुमा काजमी कौन है, अरे मम्मा मेरी मम्मा था, डोंट टच तो और बताओ प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड लाइक अ बेल, लाइक एंड बेल, दोबारा वो लोग से कैसे बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ऑसम कलर, वाओ चलो मैं बनाती हूं, ओके आई गो डू येलो, लेट मी ट्राई, नो दिस इज माय, आई गो एंड डूइंग दिस, ओ येलो इट्स ओके, ये गलती से हो गया, इट वाज जस्ट अ बाय मिस्टेक, आई एम रेडी, आई एम रेडी टू वर्क, ओके अब मैं इसको दोबारा से करूँगा, फर्स्ट में इसमें येलो करूँगा, हेलो गाइस आज हम लोग खोले हैं डेरी मिल्क सिल्क हार्ड ब्लश, आपके लिए भी हार्ड ब्लश ठीक है, कौन लाया बेटू तुम्हारे लिए, ये पापा लाया, थैंक्स टू पापा, यहाँ पे आप फर्स्ट ये देखिए, और तुम दोनों अलग अलग इतनी बड़ी अकेली चॉकलेट्स खा रहे हो बेटू, नहीं मम्मा आधी खाऊंगा फिर आधी आपको दे दूंगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी खा लेना, चलो कल खाएंगे दोपहर में, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, रात को खाना खाने के बाद हार्ड हार्ट नहीं हार्ड हार्ट, अभी ये खोल दिया हमने, निकालेंगे इससे थोड़ी सी, इसकी पैकिंग बहुत प्यारी है ना, ये थोड़ा सा अगर ऐसे करे हाँ। तो ये ऐसे खुलती है, वाओ तो कर ये देख सकते हैं कि बड़ी गुड, यस यहाँ पे हार्ड भी है इसका, गुड ये देखो अंदर से देखो कैसे, ये देखो यहाँ से मेल्ट हो गई है गर्मी की वजह से, गाइस ये आपके लिए हार्ट है, क्यूट लग रही है ना, देखो वाओ, अब बेटो आप ये पूरी नहीं खाएंगे, एक दो पीस खाएं और अब क्या है, ठीक है, ये देखो आज मम्मी आए आरिज और ये आए फारूक मामा, इधर देख के स्क्रीन पे सब लोगों को, सब लोग मुंतजिर होंगे तुम्हारे, बस फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ व्लॉग भी आपको पसंद आएगा, दो चार दिन जो भी मैंने किया, मैंने दो रेसिपी आपके साथ शेयर करी, पाव भाजी की एंड इडली एंड सांभर की, तो बस ये व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।